आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, जहां भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां समिधा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक महान विचारक थे। इसके साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड में सरकार के लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी जानकारी दी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में बीजेपी हर बूथ पर 11 पौधारोपण करेगी। राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं, उनके बलिदान दिवस से लेकर जन्मदिन तक ये वृक्षारोपण का अभियान हाथ में लिया है। और आज हम धन्य हुए हैं अपने उन नेताओं के नाम पर वृक्षारोपण करके, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने परिश्रम और पसीने से सींचा था, पुष्पित और पल्लवित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति हो, कुशाभाऊ ठाकरे जी की, प्यारेलाल खंडेलवाल जी की, नाना साहब की, कैलाश सारंग जी की, श्रद्धेय जोशी जी, पटवा जी, गौर साहब, सारे जो हमारे प्रमुख नेता थे, उनके नाम पर भी हमने वृक्षारोपण किया। उनकी पुण्य स्मृति में इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता। वृक्ष ही ऑक्सीजन प्लांट है, वो पर्यावरण बचाने का काम करेंगे। ये काम केवल आज के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। इसलिए मैं पार्टी का अभिनंदन करता हूँ।